इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Realme 3.0 में अपडेट के बाद आपको ऐसी क्या नई फीचर्स मिलने वाली है जो आपको Realme 2.0 में नहीं मिलेगी। मैं सारे फीचर्स को कवर तो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं मेन मेन फीचर्स को कवर कर दूंगा। फर्स्ट फीचर मुझे ये लगा है, ये मुझे यहाँ नया देखने को मिला है कि इसमें रैम में 8 GB का और प्लस 3 GB यहाँ शो कर रहा है, मतलब कि आप रैम को एक्सटेंड कर सकते हो 3 GB तक। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर 3 GB मेरा डिफ़ॉल्ट सेट है, अगर मैं 5 तक करूँ तो मैं 5 GB तक और बढ़ा सकता हूँ, मतलब 8 और प्लस 5 19 GB का रैम हो जाएगा। ये 5 GB का आपका इंटरनल स्टोरेज छेक लेगा और उसे रैम में यूटिलाइज कर देगा। इस तरीके से आप अपने रैम 8 GB रैम को 13 GB का रैम बना सकते हो। दूसरी फीचर मैं कहूँगा इसकी UI, इसकी UI इतनी तगड़ी मुझे लगी है, मतलब फुल्ली कलर बेस्ड है और कलर जो है वो वैरी करता है। और Realme का कहना है कि इसकी जो आइकन्स हैं वो 3D टाइप की है, मतलब अगर आप इसके सिस्टम के आइकन्स देखो, वो आइकन्स नहीं जो बाहर से इंस्टॉल्ड है। जैसे सिस्टम आइकन मैं आपको दिखाता हूँ, फोन मैनेजर, माई फाइल्स, थीम स्टोर, ये सब सिस्टम ऐप्स हैं, इन सब का जो आइकन्स है इनमें थोड़ा 3D लुक देने की कोशिश की है इन्होंने। बाकी ये काफ़ी क्लीन UI होने वाला है, आपको सिंपली OnePlus का फील देने वाला है ये। तीसरी फीचर मुझे यहाँ Realme Lab में देखने को मिली है। Realme Lab में जाओगे तो ड्यूल मोड ऑडियो का इन्होंने ऑप्शन ऐड किया है, जिसमें मैं बताता हूँ कि आप अपना एक वायर्ड ईयरफोन साथ में एक वायरलेस ईयरफोन दोनों को एक साथ दोनों में ऑडियो प्ले कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देना होगा, दोनों को एक साथ कनेक्ट करने के बाद इसे ऑन कर लेना होगा। नेक्स्ट फीचर आपको यही मिलेगी DC डिमिंग की, इसे आपको ऑन कर लेना है, ये आपकी लो ब्राइटनेस इशू को फिक्स कर देने वाला है। बाकी ये स्लीप कैप्सूल पहले भी मौजूद था 2.0 में, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर आप सिस्टम सेटिंग्स में जाओ तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा 1-handed मोड। पहले मैं बताऊँ कि ये वाला जो मोड है ये मेरे फ़ोन में नहीं था, 2.0 में हटा दिया गया था, बाकी इस फीचर को इसमें फिर से ऐड कर दिया गया, आपको इसे ऑन कर लेना है। ये 3.0 के अपडेट के साथ ही मेरे फ़ोन में आया है। इसके अलावा बहुत सारे गेस्चर्स नई ऐड की गई है, वो आप लोग जाकर देख सकते हो गेस्चर मीनू में, और आप लोग समझ सकते हो कि उस गेस्चर को यूज कैसे करना है। आगे की फीचर देखने के लिए अपन चलते हैं स्पेशल फीचर्स में। वहाँ आपको सबसे पहला फीचर देखने को मिलेगा फ्लेक्सिबल विंडोज। ये मैं बताऊँ कि ये सिमिलर टू डेस्कटॉप होने वाला, अगर आप PC यूज करते हो तो उसमें बहुत सारे विंडोज को आप एक साथ यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स को एक साथ यूज कर पाओगे। इसका भी कुछ वैसा ही कंसेप्ट है कि आप कोई भी ऐप को उसे उठाकर साइड में फ़ोन में जगह जगह पर रख सकते हो और मल्टी ऐप एक साथ यूज कर सकते हो मल्टी विंडोज में। नेक्स्ट फीचर आता है क्विक रिटर्न बबल। इसमें क्या होता है, ये जनरली गेमिंग के पर्पज़ में होता है, जब आप गेम खेल रहे हो तो उसमें आपको इंस्टेंट लौटना होता है। सो अगर आपको कुछ काम करना हो किसी ऐप पे तो आप किसी ऐप को देख कर तुरंत गेम में लौट सकते हो उस क्विक बबल को अति करके। फिलहाल के लिए यहाँ पे बस एक गेम सपोर्ट कर रही है क्विक बबल फीचर्स को, जो कि पबजी मोबाइल। BGMI सपोर्ट नहीं कर रही है इस वाले फीचर को। तीसरी फीचर मिलती है आपको क्विक लॉन्च की, इसको सिंपली आपको ऑन कर देना है। ऑन करके आपको सिंपली जो भी ऐप आपको जल्दी से जल्दी लॉन्च करना है लॉक स्क्रीन के बाद ही, उसे आपको यहाँ पे ऐड कर, ऐप्स को ऐड करने के बाद आप इन्हें सिंपली एक्सेस कर सकते हो। जब आपका फ़ोन स्क्रीन लॉक रहता है आप इसे अनलॉक करते हो फिंगरप्रिंट के थ्रू, तो वहीं पर आप क्विक लॉन्च पर ये सारे ऐप को यूज कर सकते हो सीधा डायरेक्टली। नेक्स्ट फीचर आता है स्मार्ट स्लाइड वायर का। ये पहले भी था जहाँ तक मुझे लगता है, आपको सिंपली यहाँ से ड्रैग करना है तो आपको एक स्लाइड वायर दिख जाएगा, इसमें आप चाहो तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। मेरी फ़िलहाल इतनी चीज़ें ऐड है। उसके बाद किड्स स्पेस इन्होंने ऐड की है, ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने रेडमी का कॉपी किया है। जैसे रेडमी में एक रेडमी स्पेस होता था, सेकेंड स्पेस ऐसे ही कुछ होता था, वैसे ही आप लोग यहाँ पे किड स्पेस में जाकर किसी बच्चे को फ़ोन थमा सकते हो। इससे क्या होगा कि वो आपकी ऐप को जो मेन ऐप है उसे छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। उसके साथ ही यहाँ एक सिंपल मोड दिया गया है, जिसे एक्टिवेट कर लोगे आप लोग तो यहाँ पे टेक्स्ट आपका बड़ा हो जाएगा, आपको आसानी से देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको साउंड जो आएगा वो लाउडर आएगा। उसके साथ ही यहाँ सेफ्टी एंड इमरजेंसी का एक नया फीचर ऐड किया है इन्होंने, जिसमें यहाँ आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर शो करना है, और जब आप इसको पावर बटन को 3 बार दबाओगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो आप यहाँ सेव करोगे वो अपने आप उसे लग जाएगा।
बाकी एंड्रॉयड 12 का यहाँ एक स्पेशल फीचर आपको देखने को मिलेगा प्राइवेसी सेक्शन में, प्राइवेसी डैशबोर्ड पे। और वहाँ जाओगे तो यहाँ जाकर आप देख सकते हो कि आपकी लोकेशन को कौन कौन सा ऐप यूज कर रहा है, कैमरा यूज कौन कौन सा ऐप कर रहा है, माइक्रोफोन यूज कौन कौन सा ऐप कर रहा है। अगर आपको पसंद नहीं है कि वो ऐप आपका परमिशन यूज करे तो आप उसे हटा सकते हो। नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलेगा पर्सनलाइजेशन, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको वॉलपेपर का देखने का मिलता है, यहाँ पे क्लिक करके आप स्टैटिक वॉलपेपर चूज कर सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे वॉलपेपर है, सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उसके लाइव वॉलपेपर्स भी आपको मिलते हैं, लाइव वॉलपेपर्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ ऐसा होने वाला लाइव वॉलपेपर्स, और अगर आप कुछ भी टच करोगे तो अलग अलग तरह का रिस्पॉन्ड करेगा। ये लाइव वॉलपेपर कुछ ऐसा होने वाला है, ये लाइव वॉलपेपर कुछ ऐसा होने वाला है। सो ये सब आप यूज कर सकते हो, आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद या तो आप लॉक स्क्रीन पे अप्लाई कर दो या तो सिर्फ होम स्क्रीन पे अप्लाई करो। उसके साथ ही अगर और वॉलपेपर आपको चाहिए तो यहाँ मोर वॉलपेपर पे क्लिक करके आप लोग और वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है इंसेंटिव वॉलपेपर्स का, उस पर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ बोलेगा क्रिएट योर ऑन वॉलपेपर्स। आप या तो फोटो अपना क्लिक कर लो या तो गैलरी से कोई फ़ोटो निकाल लो, और फ़ोटो निकाल के मैं अपनी फ़ोटो पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ ओके कर देता हूँ। तो ये आपके फ़ोटो की जो कलर्स है उसको चूज करके कलर्स के अकॉर्डिंग ये वॉलपेपर्स निकालेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेगा कि कौन सा वॉलपेपर्स आपको चूज करना चाहिए आपकी फ़ोटो के कलर्स के अकॉर्डिंग। उसके नीचे आपको आइकन्स का ऑप्शंस देखने को मिलेगा, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप आइकन्स को चेंज कर सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूँ। आप आइकन्स की शेप को चेंज कर सकते हो यहाँ से, और आप राउंडेड कॉर्नर जो कॉर्नर्स है उसको भी चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो आइकन्स के अंदर जो आपको दिख रहा है इसे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, और आइकन्स के साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नाम नहीं दिखाए आइकन्स पे तो उसे भी आप डिसेबल कर सकते हो, या फिर अगर नाम बड़ा बड़ा दिखाना चाहते हो तो उसे भी आप बड़ा कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए सेटिंग चेंज नहीं करता हूँ। यहाँ क्विक सेटिंग्स से आप लोग क्लिक करके ये वाली जो सेटिंग्स होती है, ये वाली जो सेटिंग्स होती है इन्हें चेंज कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो या ये वाली कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगता है वो कर सकते हो। उसके बाद आप आइकन्स की कलर को भी बदल सकते हो, कलर्स पे क्लिक करोगे तो मैंने भी कस्टम चूज किया है। कस्टम चूज करके आप, मैंने पिंक कर रखा है। आप लोग चाहो तो आपको इसको वॉलपेपर पिकिंग कलर कर सकते हो। अब जैसे जैसे मैं वॉलपेपर को चेंज करूँगा उसके अकॉर्डिंग मेरा जो ये कलर्स है ये वेरी करेगा, ये कलर्स, ये जो बटन्स का कलर है ये सारे वेरी करेंगे। या फिर आप चाहो तो इन सब में से कुछ ले सकते हो, क्लासी ट्रेंडी, तो ये क्या है अलग अलग कलर अलग अलग जगह शो करेगा। उसके साथ आपको एक नई फीचर देखने को मिलेगी जिसका नाम है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो इसमें आप जब लॉक स्क्रीन को ऑन करोगे तो आपको डिसाइड करना है कि क्या डिस्प्ले होना चाहिए। सबसे पहला है कस्टम फ्रेम्स, यहाँ जाकर सिंपली आपको पैटर्न बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरीके का पैटर्न मैंने बनाया, फिर मैंने चेंज किया और कलर्स को भी मैं चेंज कर लेता हूँ। उसका कुछ इस तरीके का पैटर्न मैंने बना दिया, फिर मैं शेप को चेंज करूँगा और इसे ये वाला चूज करके ये बनाऊँगा, और फिर कुछ ऐसा बनाऊँगा पिंक कलर का, और फिर थोड़ा और हम लोग उसे चेंज करके कलर्स को भी थोड़ा वेरी करते हैं, वाइट कलर देते हैं, और कुछ इस तरीके का हमने पैटर्न बना लिया। अब मैं ओके क्लिक करूँगा तो ये आपको लॉक स्क्रीन के वक्त शो करेगा। आपको सिंपली यहाँ अप्लाई कर देना है और काफ़ी अच्छा लगने वाला है। जैसे ही आप लॉक स्क्रीन को ऑन करोगे ये आपको दिखने जा रहा है। आप चाहो तो अपना नाम भी डिस्प्ले कर सकते हो जब आप फ़ोन को ऑन करते हो। सिंपली आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना नाम शो करना है, नाम टाइप करके यहाँ पर अपना कलर चूज कर लेना है। तो कुछ इस तरीके का अपीयर होने जा रहा है और यहाँ अप्लाई कर देना है। साथ ही साथ आप यहाँ से फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो। लास्ट जो कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार फीचर है वो पोर्ट्रेट सिलो होटो, ये सिंपली इसने वन प्लस का कॉपी किया है। और इस पर अगर सिंपली क्लिक करोगे तो आपको एक फ़ोटो मांगेगा या कोई ऐसा फ़ोटो जो आप जिसका वो बनाना चाहते हो। ये मैंने जैसे इस फोटो पे क्लिक किया, ये मेरी फ़ोटो है, इस पर जनरेट करूँगा तो ये सारे फ्रेम को कैप्चर करेगा, सारे फ्रेम को कैप्चर करके एक हमारा ये बना देगा, और ये आपको शो होने जा रहा है आपके लॉक स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का। आपको सिंपली यहाँ पे कलर चूज कर इसे अप्लाई कर देना है।
उसके लिए थीम वाली सेटिंग है, तो थीम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग कोई भी थीम यहाँ ट्राई आउट कर सकते हो। इसमें एक नई बात ये है कि आप थोड़ी देर के लिए आपको 5 मिनट का ट्रायल मिलता है। 5 मिनट आप ट्राई करके देख लो, अगर आपको वो पसंद आए तभी आप उसे यूज करो, अगर नहीं पसंद आए तो वापस से थीम में जाकर वापस से अप्लाई कर दो। उसके बाद आपको यहाँ एक एज लाइटनिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ये बोल रहा है कि एज लाइटन होगा। कब लाइटन होगा ये मुझे नहीं पता, ये मैं यूज करके बताऊँगा। सो इतनी फीचर्स थी जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी तो मैंने आपको बताया। बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स है बट वो मुझे उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगी, आप लोग खुद जाकर चेकआउट कर सकते हो उसे। इसके अलावा मैंने एक फ़ीचर छोड़ी है और वो वॉइस चेंजर की फ़ीचर है, वो मैं बाद में BGMI का जब मैं टेस्ट करूँगा तो मैं उसमें वो कवर करने जा रहा हूँ। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।